सुझाव लिए। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। इस मैराथन कवायद के बाद समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो उत्तराखंड को मिल गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो सभी के लिए समान अधिकार की ये बात करता है, समान कानूनों की बात करता है। हम आपको बताएंगे कि समान नागरिक संहिता में कैसे होंगे यूसीसी के प्रावधान। यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। सभी के लिए समान अधिकार की बात है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय इसमें की जा सकती है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की बात करते हैं तो उनके लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या ना आए विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। तो हम बता रहे हैं ये प्रावधान कैसे होंगे। प्रत्येक विवाह का संबंधित गाँव कस्बे में पंजीकरण, बिना पंजीकरण के जो विवाह है वो अमान्य माना जाएगा, तो पंजीकरण इसमें अनिवार्य होगा। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है, तो कड़ाई भी इसमें होगी, जो ज़रूरी कानून है। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो सरल होगी। ये समान अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, विशेषकर महिलाओं की। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। तो ये यूजीसी के जो प्रावधान है वो कैसे होंगे हम बता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ ही पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच होगी, जब हम बराबरी के अधिकार की बात करते हैं। तो इसके साथ ही अन्य प्रावधानों की बात करें तो नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी, पत्नी को मुआवजा मिलेगा और माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी इसमें पत्नी की होगी। और पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी के पुनर्विवाह पर उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। अगर पति की मृत्यु हो गई है और पत्नी पुनर्विवाह कर लेती है तब ये स्थिति होगी। और यदि पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। इसके साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। साथ ही अन्य प्रावधानों की बात करें तो पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। इसके साथ अगर हम और अन्य प्रावधानों की बात करते हैं तो बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। तो ये यूसीसी के प्रावधान हैं, वो कैसे हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं। पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। इसके साथ ही आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है। तो ये यूसीसी के प्रावधान हैं जो हो सकते हैं, और जो समान अधिकार है सबके लिए वो सुनिश्चित करना। और हम आपको बता दें कि अभी तक गोवा में ये लागू है और भारत के अलावा 125 देशों में ये लागू है, तो अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन और बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ संजय के चड्ढा जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि यूसीसी की आवश्यकता किन वजहों से है और किस तरह से ये समान अधिकार देता है। रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बताना बहुत आवश्यक समझता हूं। आर्टिकल 44 में ये निहित है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए सरकारों को प्रयत्न करने होंगे, पहली चीज। आर्टिकल 37 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हर सरकार को फॉलो करना चाहिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपनी पॉलिसी बनाते वक्त फॉलो करना है। तो इसलिए 44 की महत्ता दिखती है। अब मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने आयोटा ऑफ जजमेंट्स, शाहबानो से लेके सरला मुदगिल, और मैं गिनती अगर शुरू करूंगा तो वो रुकेगी नहीं, कई जजमेंट्स में सिर्फ एक ही बात कही है कि एक राष्ट्र एक कानून, एक मुल्क एक कानून होना चाहिए। तो उन परिस्थितियों में देखिए, सिविल क्रिमिनल लॉ हमारा सेम है हर पक्ष के लिए। सिविल लॉ में ये थोड़ी सी
तरमीम की आवश्यकता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिविल लॉ ब्रॉडली पूरे देश के हर व्यक्ति हर नागरिक के लिए सेम है। सिविल लॉ कैसे, वो आपको अगर कोई रिकवरी करनी है, आपको कोई पैसे किसी से लेने हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सूट फॉर रिकवरी डालना पड़ेगा या अन्य। तो सिर्फ तीन काउंट हैं, आपसे शादी से रिलेटेड, डिवोर्स वगैरह वगैरह से रिलेटेड कानून, आपकी इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस से रिलेटेड कानून, आपका जो अडॉप्शन से रिलेटेड कानून है। तो ये तीन कानून है जिनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं है। हर व्यक्ति अपने धर्म के आधार पे सो पर्सनल लॉज हैं। तो कुछ देखिए क्या है कि ये अब कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मैंडेट दिया गया है, उस मैंडेट को अचीव करते करते अभी कितना समय हो गया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गोवा पहला राज्य था और उत्तरांचल मेरा अपना प्रदेश जहां से मैं बिलोंग करता हूं वो दूसरा राज्य है जिसने सक्सेसफुली इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया है। रमा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लागू होना चाहिए, मैं भी उस विचार का हूं। लेकिन एक चीज जो इसमें भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर किसी की हैं, किसी धर्म की हैं, तो उन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अब उस हर कानून की एक्सेप्शन होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इसमें शामिल है। बिल्कुल सही आपने कहा रमा जी, खास तौर से माइनॉरिटीज को, जो उनके लीडर्स और उनके जो सो कॉल्ड अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग कहते हैं कि अब धार्मिक जो मुसलमानों की खास तौर से और ईसाइयों की और बाकी लोगों के अब धर्म में हस्तक्षेप होगा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से और पुरजोर तरीके से ये बताना चाहता हूँ, उनकी किसी भी एसेंशियल प्रैक्टिस में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता कोई भी कानून, ये लॉ है। अब मैं आपको एक और बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूं, तो ये डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोचक बात क्या है, रोचक बात ये है कि इसका इतना ही इफेक्ट हिंदू धर्म पे भी आने वाला है। हिंदूज के भी लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, इनहेरिटेंस एक्ट, सारे चले जाएंगे। देखिए अब हमको समय के हिसाब से मॉडर्न तो होना ही पड़ेगा। आप शुरू करिए, शुरू में तो सती प्रथा भी चलती थी, यही वो देश है जिसने सती प्रथा देखी है, उसको बैन किया गया। हमारा, मैं आज कलकत्ता से बात कर रहा हूँ, इसी जगह से इस चीज की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल संजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समान अधिकारों के साथ साथ समान न्याय भी ये सुनिश्चित करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो दबे हुए कुचले हुए, आज हमारे देश की कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ के बेसिस पे। धिक्कार है ऐसे ऐसे पर्सनल लॉ पर, मैं एक बड़े कटु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हाँ, किसी के भी, चाहे वो छोटे से छोटे क्षेत्र का व्यक्ति हो, नीचे दबे पायदान में सबसे नीचे व्यक्ति हो, हर एक के अधिकारों का उतना ही महत्व है जितना एक व्यक्ति जो कि सबसे ऊपर है। तो उन्हीं उद्देश्यों का पालन करते हुए ये मेरे को लगता है किया जा रहा है। अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो मैं आपको ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को जुडिशियल स्क्रूटनी भी झेलनी पड़ेगी। तो किसी भी व्यक्ति को, खास तौर से क्योंकि इन इन अच्छे उदाहरणों को कई लोग पूरे रूप से भी पेश करते हैं, तो खास तौर से उन लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी संप्रदाय को, किसी भी व्यक्ति को डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉ समान है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए ही है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो इसके आने में, क्योंकि एक लंबा समय, लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, किस तरह की दिक्कतें थीं, किस तरह का दुष्प्रचार था और उन दुष्प्रचारों पर किस तरह का लगाम जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दिक्कतें, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ, थोड़ा फिर कटु बात बोलूंगा अवश्य, मुझे लगता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल था नंबर वन। नंबर टू, दुष्प्रचारों की एक झड़ी सी थी, इससे कोई ऐसा बड़ा भारी कोई परिवर्तन भी नहीं आ जाने वाला, ये भी समझ ले आप। अच्छाई की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगर किसी दबे हुए कुचले व्यक्ति के अधिकारों का हम रखवाली करने वाले हैं तो ये तो अच्छाई है ना। किसी व्यक्ति, अगर मेरा कोई अधिकार है उस पर कोई संशय या कोई उसमें कोई रोक नहीं आने वाली है किसी भी व्यक्ति के अधिकार में, तो ये एक बहुत अहम कदम है मेरा ऐसा मानना है। जो इसलिए देर हुई क्योंकि
कई लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि इससे जो है ना जाने क्या लोगों को हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सहर्ष सबको स्वीकार करना चाहिए, अपनी एक्सेप्शंस जो हैं, फिर मैं बार बार जोर से जी कहना चाह रहा हूं कि कोई अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसको उसको सरकार कोई रोक नहीं सकती, कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। इसलिए ये महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि पॉजिटिव स्टेप है और मैं इसके लिए निश्चित तौर पे उत्तराखंड के सरकार को बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी संजय जी तमाम जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।